नमस्कार, न्यूज़ वन एशियन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी अब नई तैयारियां कर रहे हैं। आपको बताएं कि मुकेश सहनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मिलने की तैयारी में जुट गए हैं। वजह है अधिकार का। आपको बताएं कि इस बार अधिकार के मुद्दे को लेकर मुकेश सहनी प्रधानमंत्री से मुलाकात करना चाहते हैं और कई तरह की बातें उनसे करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से उपजातियों की अधिकार की मांग हमेशा से मुकेश सहनी की तरफ से उठाई जाती है, उसी मुद्दे को लेकर अब वो सीधा प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहते हैं और उनके हक के लिए आवाज उठाना चाहते हैं। क्या यह है ये पूरी खबर? किस तरह से मुकेश सहनी की तरफ से रणनीति तैयार की जा रही है और आगे की प्लानिंग क्या कुछ है, आपको पूरी जानकारी देते हैं। विकासशील इंसान पार्टी ने मांग की है कि निषाद समुदाय व उनकी सभी उपजातियों को उनका हक और अधिकार मिले। इस मांग को वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष भी उठाएंगे। वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पशुपालन व मत्स्य मंत्री मुकेश सहनी मछुआरा समाज को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए लगातार कई योजना की शुरुआत कर रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में भी वे इन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं। प्रवक्ता ने बताया कि पार्टी का स्पष्ट मत है कि जो पार्टी निषाद आरक्षण पर वीआईपी का साथ देगी, सरकार बनाने पर प्राविधान करेगी, पार्टी उसके साथ गठबंधन करेगी। उन्होंने बताया कि सहनी उस मुद्दे को लेकर जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलेंगे। वैसे भी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि यूपी में 165 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बता दें कि बिहार के पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव में हाथ आजमाना चाह रही है। यूपी में अगले साल चुनाव होने हैं, उसके लिए निषाद वोट की काफी अधिक महत्व है। अब सहनी की यूपी में बीजेपी से उम्मीद बढ़ गई है। 15 सितंबर के बाद से सहनी यूपी के दौरे पर रहेंगे। उम्मीद है कि वीआईपी और भाजपा के नेताओं के बीच इस दौरान बात आगे बढ़ सकती है। तो अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं, इसको लेकर भी मुकेश सहनी की तरफ से रणनीतियां बनाई जा रही है। आपको बताया कि मुकेश सहनी की पार्टी की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वैसे लोग जो उनके मांग को सुनेंगे, उनके मांग को पूरी करेंगे, उन्हीं के साथ उनका गठबंधन होगा। और यही वजह है कि अब बीजेपी के साथ मुकेश सहनी का साठ घाट बढ़ता जा रहा है। वो चाहते हैं कि वो सीधा इन सभी मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से बात करें और उनके तरफ से ही अपनी जो उनकी तरफ से मांग की जा रही है उसको पूरा किया जाए। यानी कि अगर बीजेपी मुकेश सहनी के मुद्दे को सुनती है, उनके मांग को स्वीकार करती है, तो मुकेश सहनी ऐसा भी हो सकता है कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन में चले जाए। यानी कि स्पष्ट है कि यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी जोर कोशिश कर रही है कि वो यूपी में अपनी सरकार बना सके, सत्ता में शामिल हो सके। और यही वजह है कि अलग अलग पार्टियों की तरफ से रणनीतियां भी तैयार की जा रही है। इसी के तहत अब मुकेश सहनी नई मांग और अधिकार के साथ सामने आए हैं और यूपी में भी लगातार वो इसी मुद्दे को उठाते हुए भी नजर आते हैं। और यही वजह है कि अब वो सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके अपनी मांग को रखना चाहते हैं। और अगर बीजेपी इसे स्वीकार करती है तो ऐसा भी हो सकता है कि वो बीजेपी के साथ महागठबंधन में शामिल हो जाए। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि मुकेश सहनी जब प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो पीएम की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन सामने आता है, वो उनकी मांग को मानते हैं या नहीं। बता दें कि 15 सितंबर के बाद से मुकेश सहनी यूपी दौरे पर जाएंगे और अलग अलग जगहों पर जाकर वो जनता से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और यही वजह है कि यूपी को लेकर अब उनकी तरफ से रणनीति बनाई जा रही है। देखने वाली बात होगी कि अगर गठबंधन जैसा कुछ माहौल बनता भी है तो मुकेश सहनी किस पार्टी के साथ जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।